जय, माता जानकी की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम। आज हम लोग श्री राम की नगरी अयोध्या में, और अयोध्या ये वो जगह है जहाँ पे पहली बार दीपावली मनाई गई थी श्री राम के वनवास से लौटने के बाद उनकी आने की खुशी में। तो आज हम लोग अयोध्या में है, और रामलला के आने के बाद 512 साल के बाद रामलला आए हैं, विराजमान हुए हैं, और ये पहली दीपावली है, यानी पहला दीपोत्सव मनाया जा रहा है जहाँ श्री राम लल्ला हमारे विराजमान होने के बाद। तो इस बार हम लोग आपको दिखाएंगे कि कैसे अयोध्या नगरी सेलिब्रेट करेगा, कैसे मनाएगा इस साल का 2024 का दीपोत्सव। आज 30 अक्टूबर 2024, और जय श्री राम का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। भाई क्या खूबसूरत डेकोरेशंस है। आज के दिन अगर अयोध्या सजी है तो समझ लो कि दीपावली है। आज जिस तरीके से अयोध्या नगरी को सजाया गया है ना, दुल्हन बना दिया गया है, दुल्हन। तो गाइस अभी हम लोग अयोध्या में, और आज अयोध्या में है दीपोत्सव। और दीपोत्सव का मैं आपको अगर शेड्यूल बता दूं तो सबसे पहले अभी 4 बजने वाले हैं, और यहाँ पे होगा राम कथा, ठीक है, राम कथा होगा। उसके बाद होगा 6 बजे के आसपास फिर चालू हो जाएगा अपना लाइट शो दिया जलने के बाद, ठीक है। दिया जलने में आप समझ लो आधा एक घंटा लगेगा, क्योंकि 28 लाख दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट होने वाला है अयोध्या में इस बार। और साथ ही साथ उसके बाद लाइट शो चलेगा, लाइट शो में डांस भी होगा आपका, कई कल्चरल प्रोग्राम्स होने वाले हैं। उसके बाद फायरवर्क्स है, फायरवर्क्स के बाद कई सारे राम लीला है अलग अलग जगहों के, अलग अलग प्रदेशों के, अलग अलग देशों के। अभिनंदन देते हुए अभी हम लोग बढ़ रहे हैं राम कथा पार्क की तरफ, और ये देखिए आपको झांकियां। अभी हम लोग जा रहे हैं राम कथा पार्क की तरफ, और हमारे मतलब यूपी के सीएम श्री योगी जी आ चुके हैं ऑलरेडी, और हमारे पास पास है, तो चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं। देखिए लाखों लाखों यहाँ पे दिया है, ये देखिए। बहुत खूबसूरत नजारा है ये। आज है अयोध्या, आज अयोध्या मना रहा है अपने श्री राम के लौटने का दीपावली। अब श्री राम सही में आज लौटे हैं ऐसा फीलिंग आ रहा है, क्योंकि बहुत सालों बाद रामलला विराजमान है, और ये पहली दीपोत्सव है रामलला के आने के बाद की। क्या खूबसूरत नजारा है दीपोत्सव। दीपोत्सव का क्या मतलब होता है, यानी दीप का उत्सव, और दीप का उत्सव मतलब ये। क्या नजारा है, लाखों दिया यहाँ ऑलरेडी प्लेस हो चुकी है, तेल डला चुकी है, अब यहाँ पे अयोध्या रेडी है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने पे। मतलब 28 लाख दिया एक साथ जलेंगे, और अयोध्या के नाम एक किताब आएगा सबसे ज्यादा दिया जलाने के लिए। भाई क्या खूबसूरत है, यहाँ से सूरज ढलेगा, यहाँ पे दीपक जलेगा, बहुत खूबसूरत नजारा है। और श्री राम का वेलकम इस तरीके से कहीं नहीं किया जा सकता। ये भी तालियां बजाने में कंजूसी बरतने वाले हैं अयोध्या वासियों, आपकी जय जय श्री राम। वर राम चंद्र भगवान की जय, माता जानकी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, सरयू माता की जय, सरयू माता की जय, नमः पार्वती पतये हर। दीप जलने का शुरुआत हो चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है वॉलंटियर्स की,
और सभी दीप जला रहे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट होने को है भाई। क्या खूबसूरत लग रहा था बस दा? अरे भाई साहब बहुत खूबसूरत बहुत माइंड ब्लोइंग। शुरुआत है, अभी जैसे ही अंधेरा होगा और लाइट थोड़ा डीम होगा तब मजा आ जाएगा। एकदम एकदम, अभी से इतना अच्छा लग रहा है। राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन अंजन। सो गाइस, दीप उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, दीप उज्ज्वलित हो रहे हैं और आप देख सकते हो क्या खूबसूरत लग रहा है अपना घाट और घाट जब खूबसूरत लग रहा है उसके बाद होगा अपना लाइट शो और लाइट शो के बाद होगा अपना भाई फायरवर्क्स का बहुत ज्यादा मुझे इंतजार है, पर्सनली सबसे बेस्ट लगता है मुझे। क्या नाम है भाई आप लोग का और आपका भाई? तो आप लोग कब से घट रहे हो इसके पीछे? कितने दिन से मतलब लगे हो इसमें? तीन दिन हो गया। दीपोत्सव का टाइम है और हम लोग हैं श्री राम की नगरी अयोध्या में और क्या नजारा है भाई। तो इस बार 88 लाख चलेगा, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और कुछ देर के बाद अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। अनाउंसमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लगभग सारे प्रदीप जो है दीप है वो जल चुके हैं। अरे ये एक छोटा सा ड्रोन है और ये ड्रोन जो है जो आप देख सकते हो ग्रीन लाइट का है, ये ड्रोन है रिकॉर्ड ले रहा है, ये सारे फोटोज लेगा वीडियोज लेगा यहाँ के और फिर इसे कैलकुलेट किया जाएगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो चेकिंग हो रही है वो हो रही है। ये देखिए, देख सकते हो जैसे ही अंधकार हुआ वैसे भाई अयोध्या नगरी की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या खूबसूरत नजारा है, ये देखिए पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल, आप कोई नहीं रोक सकता राम की पैड़ी जाने से, कोई रोक सकेगा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और समस्त मेहमान अतिथिगण
जय श्री राम। आज था हमारा दीपोत्सव 2024 और अयोध्या हम लोग आए थे दीपोत्सव दिखाने। बहुत ही खूबसूरत रहा हमारा आज का पूरा दिन। और भाई मतलब आज मतलब ऐसा महसूस हुआ ना कि श्री राम शायद अभी हैं हमारे साथ, तभी ऐसा दिवाली हम लोग मना रहे हैं और वो खुद आए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसे रामलीला होती है 10 भाषाओं में होगी, 10 देश करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग बताओ तो जय श्री राम एकदम बताएंगे। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस।